ओवैसी की गढ़ में कमांडो लेकर पहुंचे सीएम योगी और आरक्षण पर किया इतना बड़ा ऐलान, मुस्लिमों में छाया सन्नाटा। केसीआर की कुर्सी पर कौन करेगा कब्जा, बीआरएस को मिलेगा वीआरएस या फिर खिलेगा कमल का फूल, 5 दिन में होगा बड़ा फैसला। 2024 के चुनाव से पहले दक्षिण से खुशखबरी की उम्मीद है, सरकार नहीं भी बनी तो भी बीजेपी क्यों बांटेगी मिठाई, जानिए। असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ में सीएम योगी कमांडो लेकर पहुंचे तो सब सन्न रह गए, कमांडोज भीड़ को साइड करवा रहे थे और योगी हैदराबाद के धाकड़ नेता टी राजा के साथ गाड़ी पर सवार होकर आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही काफिला ओवैसी के गढ़ में पहुंचा तो योगी ने माइक लिया और जो कहा उसे सुनते ही हर सनातनी तालियां बजाने लगे, जबकि ओवैसी के समर्थकों के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। इसको हैदराबाद बनाया, हम तो इसको भाग्यनगर बनाने के लिए भाग्यनगर बनेगा, इस आपके पास आए हैं। भाइयों बहनों, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना वासियों से एक वायदा करती है कि भाजपा को जिताइए, मुस्लिम आरक्षण का खात्मा भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाजपा मुस्लिम समुदाय के 4% आरक्षण को समाप्त करेगी और इसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग में इस आरक्षण की सुविधा का लाभ उपलब्ध करवाएगी। मतलब योगी ने साफ कर दिया कि केसीआर ने जो 4% आरक्षण मुस्लिमों को दिया है वो बीजेपी खत्म कर देगी। योगी से पहले अमित शाह ने भी यही कहा था कि केसीआर ने ओबीसी के दबाव में आकर ये 4% आरक्षण दिया है, लेकिन बीजेपी की सरकार आई तो हम इस आरक्षण को ओबीसी एससी और एसटी में बांट देंगे। बीजेपी का ये दांव उसे तेलंगाना में नुकसान भी दिला सकता है, क्योंकि कांग्रेस हो या फिर केसीआर की पार्टी, भारत राष्ट्र समिति दोनों के एजेंडे में अल्पसंख्यक शामिल हैं और वो उन्हें लुभाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तेलंगाना की सियासत में दलित, आदिवासी और मुस्लिम समुदाय को मिलाकर 43% वोट होता है जो कि सत्ता का रास्ता तय करते हैं। यहाँ 18% दलित, 12% आदिवासी और 13% मुस्लिम मतदाता हैं। इन आंकड़ों को भी शाह ने अपनी सियासी चश्मे से बार बार देखा, लेकिन फिर भी मुस्लिमों को मिलने वाला आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपनी जमीन तैयार कर रही है और वो उत्तर प्रदेश की तरह दक्षिण भारत में अपना एजेंडा पहले से साफ करना चाहती है ताकि 2024 के चुनाव में उसे बड़ी बढ़त मिल सके। तेलंगाना हो या फिर तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश, अगर आप वहाँ के लोगों से पूछेंगे कि बीजेपी से आपको दिक्कत क्या है तो वो कहेंगे ये हिंदू थोपना चाहते हैं। इसीलिए बीजेपी ने हिंदू वाले मिशन को साइड कर हिंदुत्व वाले मिशन को अब आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है और ये बात ओवैसी भली भांति समझते हैं। इसलिए योगी के बयान पर वो खुलकर सामने आ चुके हैं कि बीजेपी के उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आए, हमेशा पेटेंट डायलॉग है इसका। हम बोलते हैदराबाद में खट्टे डायलॉग है, मियां खादर खां के कुछ आता ही नहीं उसको, आते कि हम नाम बदल देंगे। अरे भाई, यह नाम नहीं बदल सकते, यहाँ पे नाम नहीं बदल सकते, आपका ख्वाब ख्वाब ही रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अमित शाह बोल रहे हैं मैं रिजर्वेशन को ख़त्म कर दूंगा। अमित शाह साहब, आप मलक पे ठार रहे हैं, पहले यहाँ आके देख लो कितना गड़े में आप पहुँचा दिया बलाला आपको। नाम बदल देंगे, रिजर्वेशन नहीं देंगे। 119 सीटों वाले तेलंगाना में ओवैसी की पार्टी की पकड़ 10 सीटों पर मजबूत है, लेकिन करीब 46 सीटों का फैसला मुस्लिम आबादी की बहुमत से होता है, यानी केसीआर की सरकार से अगर ये नाराज हुए तो फिर खेल उल्टा पड़ सकता है। और इस बार के सियासी सर्वे ये कहते हैं कि तेलंगाना में बाजी पलटने वाली है। बीजेपी ने हैदराबाद के निकाय चुनाव में जैसी बंपर जीत हासिल की थी उससे तो यही लगता है कि बीजेपी वहां पर अपनी जड़ें मजबूत कर रही है और इस बार अगर सत्ता तक नहीं भी पहुंच पाई तो फिर मिठाई इसलिए बटेगी क्योंकि दक्षिण के एक किले में उसकी पैठ पहले की तुलना में और मजबूत होगा। असल टक्कर कांग्रेस और बीआरएस के बीच है। ये जनता को तय करना है कि बीआरएस को वीआरएस यानी कि ऐच्छिक सेवानिवृत्ति देनी है या फिर कांग्रेस के नए कमाल के वादे के साथ जाना है। फिलहाल योगी, मोदी और शाह की रैलियों में जैसी भीड़ जुट रही है वो तो यही बताती है कि सर्वे चाहे कुछ भी कहे, बीजेपी इस बार बड़ा खेल कर सकती है। बतौर वोटर्स आप क्या सोचते हैं?